हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्राची गुप्ता फ्रॉम जयत्री एकेडमी, क्लास 3rd. सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. टॉपिक इज जेंडर. एंड नाउ वी विल स्टडी द जेंडर. द जेंडर ऑफ ए नाउन इंडिकेट्स वेदर ए पर्सन और एनिमल वी आर रेफरिंग टू इज मेल आर फीमेल्स. मीन्स नाउन का जेंडर हमें बताता है, चाहे वो पर्सन हो एनिमल, उसको हम रिफर एंड डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. मीन्स हम जेंडर में जानते हैं कि वो मेल और फीमेल के बारे में जानते हैं कि कौन पर्सन मेल है या एनिमल, या एनिमल या कोई पर्सन फीमेल है. मेल और फीमेल के बारे में जेंडर हमें बताता है. जेंडर इज़ ए कैटेगरी ऑफ नाउन. मीन्स जेंडर नाउन की ही एक कैटेगरी है. एंड टाइप्स ऑफ जेंडर, दे आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर में हम जानते हैं कि नाउन डैट रिफर्स टू मेल ओनली आर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. मीन्स वो नाउन हमें केवल मेल के बारे में ही बताते हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं. जैसे एग्जाम्पल में मैन, सन, फादर, ब्रदर, दीज आर ऑल मैस्कुलिन जेंडर. नाउ नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर. नाउन्स डैट रिफर्स टू फीमेल्स ओनली आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. जो नाउन केवल फीमेल के बारे में हमें बताते हैं, वो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं. जैसे वोमेन, डॉटर, मदर, सिस्टर, दीज आर ऑल फेमिनिन जेंडर. नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर. ए नाउन डैट डिनोट्स ए थिंग विच इज नाइदर आर नॉर Neither male nor a female is said to be neuter gender. Means जो noun denote means दिखाता है या दर्शाता है कि कोई भी चीज़ जो ना कि वो male हो ना ही female हो, वो हमारा neuter gender में कहलाता है. जैसे example में teacher, baby, friend, house, wood, etc. टीचर भी हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है. बेबी भी मेल भी हो सकता है, फीमेल. ऐसे ही फ्रेंड में भी होता है. जैसे इसमें न्यूटर में थिंग्स भी आती, चीज़ें भी आती हैं, जैसे हाउस, वुड. इसमें ना ही मेल होता है ना ही फीमेल. तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ न्यूटर जेंडर. सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एट होम ऑफ जेंडर्स एंड लर्न दीज डेफिनेशंस ऑफ जेंडर. सो थैंक यू.